क्रिश्चियन धर्म के जीसस क्राइस्ट हैं, इसीलिए तरह हिंदू धर्म के फाउंडर कौन है, सनातन धर्म के फाउंडर कौन हुए? स्वयं भगवान श्रीमन नारायण, स्वयं भगवान। मिट्टी में दफन करना अच्छा होता है, जलाना अच्छा होता है, या गंगा जी में समाधि देना? जलाना, अंतिम संस्कार। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, जैसे कि हमारे बुद्धिज्म धर्म है उसके फाउंडर गौतम बुद्ध हैं, क्रिश्चियन धर्म के जीसस क्राइस्ट हैं, इसीलिए तरह हिंदू धर्म के फाउंडर कौन है, सनातन धर्म के फाउंडर कौन हुए? स्वयं भगवान श्रीमन नारायण, स्वयं भगवान, भगवान श्रीमन नारायण ही है। और दूसरा प्रश्न मेरा ये था महाराज कि जैसे कि कोई भी इंसान की जब मृत्यु हो जाती है तो उसे मिट्टी में दफन करना अच्छा होता है, जलाना अच्छा होता है, या गंगा जी में समाधि देना? जलाना, अंतिम संस्कार। क्यों अच्छा होता है वो, कुछ व्याख्या कर दीजिए महाराज। क्योंकि पंच तत्वों से शरीर बनता है। जी हाँ, अग्नि ही एक ऐसा तत्व है जो पांचों तत्वों को पांचों में लीन कर देता है। कैसे? कैसे? जैसे हम जलते हैं, जब कोई मरने के बाद जलता है तो शरीर में जो अग्नि तत्व है, अग्नि में जलने से वह अग्नि तत्व अग्नि में मिल गया। बोलो हाँ। हाँ। वायु तत्व निकल के वायु में मिल गया। बोलो हाँ। हाँ। जल तत्व भाप बन के उड़ गया। जी हाँ। हाँ। बचा आकाश तत्व, तो आकाश तत्व आकाश में, फिर बची मिट्टी तत्व, तो राख बच गई। जी हाँ। अब आप किसी को जमीन में गाड़ देंगे तो जमीन में गाड़ने के बाद मिट्टी तत्व, पृथ्वी तत्व तो पृथ्वी में मिल जाएगा, जल तत्व जल में मिल जाएगा, पर मिट्टी के अंदर आकाश तत्व कैसे मिलेगा? पहला, ठीक है, ठीक। दूसरा है। तत्व अग्नि तत्व मिट्टी के अंदर कैसे मिलेगा? इसलिए वह मरने के बाद तो फिर सब हड्डियां गल ही जाती हैं जमीन में गाड़ने पर फिर भी जो हमारे सनातन धर्म का प्रोसेस है कि पाँच तत्व जाकर पंच तत्व में मिल जाए, उसके लिए अग्नि संस्कार से फिर बड़ा कोई संस्कार नहीं है। मेरा सवाल, इनका तो आपने जवाब सुन लिया, अब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब कभी जरा जवाब सुन लीजिए। ये कहा जाता है कि जब कयामत का दिन आएगा तो उस वक्त अल्लाह जब सबको फिर से उठाएंगे तो कहा जाएगा कि अपनी कब्रों से उठो, तो हम हिंदुओं का क्या होगा, क्योंकि हमारी तो कोई कब्र नहीं होती। भाई साहब का सवाल है कि वो कहते हैं कि कयामत के दिन जब अल्लाह ताला वापस से हमें दूसरी जिंदगी देंगे तो कहेंगे अपने कब्रों से उठो। हिंदू भाई साहब पूछे कि हिंदू लोग तो कब्र में दफनाए नहीं जाते, हिंदू बच्चे दफनाए जाते ना, हिंदू बच्चे, हिंदू मजहब में छोटा बच्चा है उसको जलाया नहीं जाता, उसको दफनाया जाता है। फिर भी कई मुसलमान है जो डूब के मरते हैं, जो जल के मरते हैं, उनको भी दफनाया नहीं जाता है, जिनकी हमें मिलती नहीं। ये जब अल्लाह ताला कहेंगे कि फिर से हम जिंदगी देंगे, जरूर नहीं कि आप कब्र में से ले आ जाएंगे, जो भी इंसान मर चुका है उसके नई जिंदगी दी जाएंगे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह उसमें जान डालेंगे, फिर मौत देंगे, फिर से जान डालेंगे। तो अल्लाह जान डालेंगे, चाहे वो कब्र में है, चाहे जलाया गया है, चाहे डूब गया है, जो भी हालत में है अल्लाह उस इंसान में फिर से जान डालेंगे। और अल्लाह ताला को जान डालना बहुत आसान है, चाहे आप दफनाए गए हैं या चाहे जला दिए गए। अल्लाह ताला फरमाते जब गैर मुस्लिम के एतराज करते अल्लाह से और अल्लाह से पूछते हैं कि जब आप दफनाए जाएंगे और क्यामत के रोज जब इंसान उठाए जाएंगे तो अल्लाह ताला उनको हड्डियां को कैसे जोड़ेगा? जैसे आप पूछ रहे ना, अल्लाह ताला जो कब्र में उनको उठाएंगे, हम कब्र तो नहीं गए, तो लोग पूछते हैं, कुरान मजीद में का जिक्र है सूरह क़याम में सूरह नंबर 75 आयत नंबर 3-4 में कि अल्लाह ताला हड्डियां को कैसे जोड़ेगा? तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह हड्डियां को ही नहीं जोड़ सकता है, आपके उंगलियों के पोर पोर को जोड़ सकता है, उंगलियों के पोर पोर। आप सोचते हो अल्लाह ताला क्यों कहता है क्या उंगलियों के पोर पोर को जोड़ सकता है? आज की साइंस ये कहती है, सर फ्रांसिस गोल्डिन एक साइंटिस्ट है जो सन 1880 में एक डिस्कवरी किए कि फिंगरप्रिंटिंग मेथड के दो इंसान करोड़ों लोगों में भी उनके फिंगरप्रिंट यकसा नहीं हो सकते। तो अल्लाह ताला फरमाते हड्डियों को तो छोड़ो, मैं आपके उंगलियों के पोर पोर को इकट्ठा कर सकता हूँ और हूबहू वैसे पैदा कर सकता हूँ। तो अल्लाह के लिए
फिर से जान डालना बहुत आसान है, चाहे वो इंसान दफनाया गया है या जलाया दिया गया है या डूब के मरा है। अल्लाह को फिर से जान डालने में, चाहे वो मुसलमान मरा या हिंदू मरा या ईसाई मरा, अल्लाह को जान डालने में बहुत आसान है। कुन फैकुन, और फिर से हमें नई जिंदगी दी जाएंगी और फिर हिसाब किताब किया जाएगा। और हिसाब किताब में अगर आप अल्लाह के अहकामात पे अमल किए तो इंशाअल्लाह आप जन्नत में जाएंगे, इस दुनिया के इम्तिहान में सफलता पाएंगे। लेकिन अगर उनके अहकामात पे आपने नहीं चले, उनके मुताबिक नई जिंदगी बसर करे, तो आप इस जिंदगी में सफलता नहीं पाएंगे। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। मेरा नाम देव कुमार साह उर्फ रंजन, मैं लाइन महावीर स्थान किशनगंज का रहने वाला वार्ड नंबर 17 का व्यक्ति हूँ। खगड़ा में मेरा किराना दुकान का व्यापारी भी हूँ। मेरा सवाल सिर्फ एक है कि सनातन क्या है, सिर्फ सनातन क्या है, मैं यही जानना चाहता, जिसके कारण मैं आपके द्वार पर और यहाँ इजलास महफिल में मैं आपके सामने क्वेश्चन रखा हूँ। भाई साहब ने पूछा है कि सनातन की मानी क्या है। पूरा सनातन धर्म, सनातन मतलब एक ही खुदा में मानना। सनातन धर्म जैसे मैंने कल भी कहा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुरू किया था। और सनातन धर्म मतलब वो कहते हैं कि अगर आपको जानना है कि ईश्वर क्या है और धर्म क्या है, तो सबसे ऊंची किताब वेद के ऊपर अमल करना चाहिए। तो इनने वेद की तहकीक करने के बाद ये साबित किया कि ईश्वर का डेफिनेशन क्या है वेद और उपनिषद के जरिए। और जैसे मैंने कल भी कहा और परसों भी कहा कि जब आप पढ़ते छंदों के उपनिषद चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोक नंबर 1 एकम एविदित्यम, खुदा एक ही है, भगवान एक है, दूसरा नहीं है, लिखा है श्वेता श्वेता उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 श्लोक नंबर 9 ना चस्य कस्य जनिता न जदीपा, उस ईश्वर उस भगवान का कोई रब नहीं, कोई वालदेन नहीं। लिखा है श्वेता श्वेता उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 19 न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं। प्रतिमा एक संस्कृत लफ्ज है जिसके मानी है अक्स, पिक्चर, फोटोग्राफ, पेंटिंग, आइडल, स्कल्पचर, स्टैच्यू। उस ईश्वर उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई आइडल नहीं। यही चीज लिखा है यजुर्वेद के अंदर चैप्टर नंबर 32 श्लोक नंबर 3 न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं। और जो ब्रह्म सूत्र हिंदुइज्म का, एकम ब्रह्म द्योत्या नास्ते नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। तो अगर आप ये जान ले कि भगवान एक है, उसका अक्स नहीं है और सिर्फ उसी की इबादत करना चाहिए, ये मेन ऑब्जेक्टिव है सनातन धर्म का। तो आप समझ चुके सनातन धर्म क्या है भाई साहब? फिलहाल कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ बोलिए भाई साहब। सनातन धर्म एक में मानव रूप में इस धरती पे आता है वो सनातन होता है, और सनातन का कोई धर्म नहीं होता। भगवान एक होते हैं, उसकी शाखाएं होते हैं, जैसे एक वृक्ष पे उसके टहनियां होती है, उसके पत्ते होते हैं, उनमें फल होते हैं, उसी तरह धर्म में भी सनातन हर व्यक्ति इस धरती पे जो भी जन्म लिया है वो सनातन है। उसका ऊपर वाले को मानने वाला जो व्यक्ति होता है उसकी शाखाएं अनेक होते हैं। भाई साहब ईसाई है, भाई साहब जो भी आप बात करते हैं, मैं जो बात करता हूँ हवाला देता हूँ वेद यजुर्वेद चैप्टर 32 श्लोक नंबर 3। कुछ भी बोलूं, मैं बोलूं 2 + 2 = 5, 2 + 2 = 6, तो मुझे हवाला तो देना पड़ेगा ना। आप जो बोल रहे कुछ कुछ लिखा है मनुस्मृति, इसके अंदर जानता हूं मैं जो बात कर रहा हवाला देके एकदम ब्रीफ में कह रहा हूं। आप जो बोल रहे मैं ये नहीं जानना चाहता हूं आप क्या मानते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि धर्म को जानने के लिए धर्म के मानने वालों को मत देखो, धर्म के शास्त्रों को देखो। तो मैं यह सुनने के लिए नहीं आया हूं आप क्या मानते हैं सनातन धर्म में। मैं ये जानना चाहता हूं आपकी धार्मिक किताबें क्या कहती है। अगर मैं हर एक की बात सुनने लगूं, या लाखों लोग हैं, 5 से 10 लाख का मजमा है,
कि वो क्या कहना चाहता है तो फायदा क्या है, आप समझ रहे ना। तो जो भी आप जवाब देते हैं, अगर आप कहते हैं तो आप हवाला भी दो, आप हवाला दो भगवत गीता का, उपनिषद का, वेद का, फिर बात करो। खाली बात करने में क्या फायदा, हवाला दीजिए, बात कीजिए, फिर आपको पता चलेगा क्या सही और क्या गलत है। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो आपने देखी, होपफुली आज की वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आई होगी। मजीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।